गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो यार गाइस, सबसे पहले एक बार टाइम देख लेते हैं। 7:03 हो रहे हैं और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ, क्योंकि रात में मैं थोड़ा जल्दी सो गया था, तो इस वजह पे आज जल्दी उठ पाया हूँ। सो सबसे पहले क्या है, अभी मैं जल्दी उठ गया हूँ तो मैं थोड़ा छत पर चला जाता हूँ और देखता हूँ कैसा मौसम हो रहा है। तो चलिए छत पर चलते हैं, और सुबह सुबह का धूप लेना बॉडी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। बेसिकली मेरी मॉर्निंग जो होती है वो 10 बजे या फिर मैं 11 बजे ही उठ पाता हूँ सुबह में। आज थोड़ा जल्दी उठ गया तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ सुबह सुबह का मौसम देख लेता हूँ कैसा होता है, क्योंकि मैं कभी देख पाता ही नहीं। क्योंकि 10 बजे उठता हूँ, 11 बजे उठता हूँ, तो उसमें क्या होता है जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट वगैरह करना, तो इस वजह से मैं आ नहीं पाता। तो अभी देख लेते हैं मौसम, जो काफ़ी अच्छा हो रहा है, धूप भी अच्छा निकल रहा है, क्योंकि 2-4 दिन पहले तो काफ़ी बारिश हुआ था तो धूप नहीं निकल पाया था। तो माशाल्लाह आज की मौसम की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा हो रहा है और पढ़ाई करने में भी मज़ा आएगा। तो गाइज, मुझे जो मैंने पिछला ब्लॉग डाला था उसमें मुझे कमेंट्स आया था एक लड़के का कि भाई आप जो रहते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, रूम पर रहते हो, तो उसमें इस्टीमेट खर्चा कितना आ जाता है, रूम का रेंट वगैरह, और जो आप खुद का खर्चा करते हो वो कितना आया था। तो बेसिकली रूम का रेंट जो है मेरे वो 3,000 रुपये है, और खाना वगैरह खर्चा लगा के सारा टोटल खर्चा 6 से 7 हज़ार के बीच में आ जाता है। क्योंकि आप जो ऑनलाइन स्टडी करोगे उसका पेमेंट तो एक ही बार कर दोगे, और जो खर्चा बैठ जाता है वो 6 से 7 हज़ार के बीच में बैठ जाता है मेरा खर्चा। तो वापस मैं अपने रूम पर आ गया हूँ अभी, और अभी क्या है मैं थोड़ा फ्रेश होऊंगा, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगा। तो अभी मैं कर लेता हूँ क्लोज़अप और अपने दांतों को कर लेता हूँ एकदम तरोताज़ा। तो चलिए मैं कर लेता हूँ क्लोज़अप, और क्लोज़अप करने के बाद मैं अपना थोड़ा मुंह धो लेता हूँ, जिससे मेरा जो नींद वगैरह है वो एकदम सही हो जाए और फेस वगैरह भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद मैं बना लेता हूँ कॉफ़ी, क्योंकि आज मेरा कॉफ़ी पीने का मन है, तो मैं कॉफ़ी बना लेता हूँ। सो फाइनली गाइस, कॉफ़ी बन चुका है एकदम गर्मा गर्म, जैसे कि आपको वीडियो में देख रहा होगा। और मैं ले आया हूँ एक गुड्डे बिस्किट कॉफ़ी के साथ, जिससे मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और तो चलिए पहले मैं इसको ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ अपना, और टाइम देख लेते हैं एक बार। 7:31 हो गए हैं, 7:51 हो गए हैं, और मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है डन। और फाइनली अब मैं करने वाला हूँ अपना स्टडी स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैं केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर की रीडिंग करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा वाईफाई का प्रॉब्लम हो गया है, तो इस वजह से मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाऊँगा आज। और मैंने वाईफाई वाले को कॉल किया था, तब बोल रहे थे कि 2-3 घंटे या फिर शाम तक आपका वाईफाई चालू हो जाएगा। और मेरे फ़ोन में डाटा पैक भी नहीं है, क्योंकि मैंने वाईफाई की वजह से ही रिचार्ज जो कराया था 179 वाला कराया था, उसमें जो मुझे 1.5 GB मिलता है, और जो 1.5 GB यूज़ होता है वो मैं हॉस्टल से बाहर यूज़ करता हूँ, जो भी मुझे ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना होता है, लाइक सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने जाता हूँ तो वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना होता है, या फिर कोई फ्रूट्स वगैरह लेने आता हूँ। तो 1.5 GB वाला रिचार्ज था, वो 28 दिन के लिए ही 1.5 GB आता है। तो इस वजह से मैं अभी ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैंने सोचा है खाली तो बैठे ना नहीं है, तो इस वजह से मैं रीडिंग कर लेता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है? बेसिकली मेरे साथ होता था पहले ऐसा, जब मैं केमिस्ट्री पढ़ता था तो बहुत नींद आता था मेरे को, लेकिन जब से मैं ये चीज़ें फॉलो करने लगा हूँ तो मेरे को नींद नहीं आता है अभी। क्या करना है आपको, अगर आपको नींद आए जिस टाइम, तो 1 गिलास पानी पियो और घूमते घूमते पढ़ना स्टार्ट कर दो। जैसे कमरा है, कमरे में थोड़ा टहल लो, बुक्स वगैरह ले लो हाथ में, और टहलते टहलते पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो उस टाइम आपको नींद नहीं आएगा। या फिर आप चिंगम वगैरह खा सकते हैं, चॉकलेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं उस टाइम, तो जब आपका मुँह चलेगा तो वॉन वर्क करेंगे तो आपको उस टाइम नींद नहीं आएगा। या फिर क्या कर सकते हो, आप 5 मिनट का ब्रेक लेके एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, या फिर जो सब्जेक्ट पढ़ते टाइम आपको नींद आता है तो उस सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ो। जिस टाइम आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो जो सब्जेक्ट बोरिंग है उसको सबसे पहले पढ़ो, और जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो उसके बाद में पढ़ो। तो ये चीज़ फॉलो करोगे तो आपको नींद नहीं आएगा। तो बेसिकली अभी टाइम जो है वो 10:05 हो गए हैं। और गाइज, मेरे को बहुत सारे पिछले उसमें कमेंट आए थे कि आपका जो ये टेबल क्लॉक है
इसका प्राइस कितना है और आपने ये कहाँ से लिया है। तो बेसिकली इसका प्राइस जो जिस टाइम मैंने लिया था उस टाइम ऑफ़र चल रहा था, ये 209 रुपये का मेरे को पड़ा और ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था। और कमेंट ये भी बहुत कर रहे थे कि आपका जो ये टेबल क्लॉक है ये टच है क्या, जैसे ही आप हाथ रखते हो इस पर आप जलने लगता है। ये टच नहीं है, जो मैंने अभी बटन दिखाया है वो जैसे मैं इस पर हाथ रखता हूँ तो वो नीचे से प्रेस हो जाता है और जलने लगता है, और इसमें थोड़ा कलर वगैरह चेंज होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसका अगर आपको ख़रीदना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ पे आप क्लिक करके ख़रीद सकते हो अमेज़ोन से। ठीक है, सो फाइनली गाइस, केमिस्ट्री के चैप्टर की हो चुकी है मेरी रीडिंग कंप्लीट और अभी मैंने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट कर दी है। पिछला ब्लॉग जो मैंने अपलोड किया था उसमें मुझे साहिब फातिमा ने कमेंट किया था कि फिजिक्स तो मुझे समझ आ जाती है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती हूँ मैं। तो इसका रिप्लाई मैं यही देना चाहूँगा, जो बेसिक चीज़ें होती हैं फिजिक्स की जिसमें कैलकुलेशन वगैरह आपको सिखाई जाती है, कुछ डिफरेंशिएशन होता है उसमें, कुछ ट्रिग्नोमेट्री होती है और जोड़ घटा गुणा भाग जो सारी चीज़ें होती हैं वो बेसिक में आ जाती हैं फिजिक्स के। तो इसके लिए आपको पहले अपना बेस क्लियर करना पड़ेगा और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप यूट्यूब वगैरह पर जाकर सर्च कर सकते हो फिजिक्स का बेसिक के लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे उसमें वो लेक्चर आप अटेंड करके फिजिक्स का बेसिक क्लियर कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में आपको आसानी हो जाएगी। और तमन्ना प्रवीण ने कमेंट करके पूछा था कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, प्लीज़ मेक ए वीडियो इन दिस टॉपिक। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि जो आप ऑनलाइन स्टडी करते हो और जो सेल्फ स्टडी करते हो उसको आप एक पेपर पर नोट करके जो आपका स्टडी टेबल होता है उसके सामने स्टिक कर दो और उसी पर लिख लो कि कितना टाइम मैं कौन सी स्टडी करता हूँ, खाने खाने का टाइम, सारी चीज़ें उसमें आप लिख लो, सोने का टाइम, एक्सरसाइज वगैरह करते हो वो सारा टाइम आप लिख के एक पेपर पर नोट करके आप अपने टेबल के आगे स्टिक कर सकते हो और उसको फिर फॉलो करना है। ऐसा नहीं है उसको लिखने के बाद आप भूल गए। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए यही है, आप एक टाइम टेबल बना लें और फिर उसको फॉलो करें। सो फाइनली गाइज, फिजिक्स के चैप्टर की मेरी रीडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और एक बार यहाँ पर टाइम देख लेते हैं, 11:58, मतलब 2 मिनट है अभी 12 बजने में। तो अभी मैं नहाने के लिए चला जाता हूँ। सो फाइनली गाइस, मैं नहाकर आ गया हूँ और नहाकर एकदम फ्रेश हो गया हूँ और मुझे अभी बनाना है खाना, तो चलिए मैं खाना बना लेता हूँ। पहले आज मैं लंच में बनाने वाला हूँ मूंग और मसूर की दाल। तो मैं सबसे पहले इसको धो लेता हूँ और पानी में रख देता हूँ फुलाने के लिए, जिससे फाइनली यहाँ पर दाल और चावल बनकर रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने कुछ सलाद वगैरह रखा हुआ है जिससे खाने में और ज़्यादा टेस्टी हो जाए, क्योंकि दाल तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है मुझे। आई थिंक आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो यहाँ पर मेरे अचार है। तो चलिए पहले मैं लंच कर लेता हूँ, उसके बाद फिर से मैं अपना स्टडी स्टार्ट करूँगा। सो फाइनली गाइज, यहाँ पर मेरा लंच हो चुका है डन और एक बार टाइम देख लेते हैं, 14:13 हो रहे हैं, मतलब 2:13। और अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना बायोलॉजी का लेक्चर, क्योंकि वाईफाई आ चुका है और मैंने सोचा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैंने पढ़ ही लिया है, रीडिंग कर ली है, तो बायोलॉजी के लेक्चर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं बायोलॉजी में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है उसमें। और एज यू नो, जानते हो आप कि मैं जो बायोलॉजी पढ़ता हूँ वो रितु मैम से पढ़ता हूँ, तो बायोलॉजी मैं यूट्यूब से पढ़ता हूँ और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं यकीन 2.0 हिंदी मीडियम जो 2023 का बैच है उसी से कर। पिछले ब्लॉग में मुझे एक कमेंट यह भी आया था कि आप जो स्टडी करते हो वो घर पर रहकर भी कर सकते थे लेकिन आप रूम पे स्टडी करते हो रेंट पे लेके, तो इसका रीज़न क्या है। तो मेनली सबसे बड़ा जो रीज़न है वो मेरे लिए ये है कि मेरा जो घर है वो गाँव में है और गाँव में नेटवर्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ पर नेट नहीं चलता है, सिम कोई सा भी हो
नेट जो है वो ज़्यादा तो दिन में चलेगा, रात को तो नेट बिल्कुल ही नहीं चलता है। तो सबसे बड़ा रीज़न तो मेरे लिए यही है कि वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और अभी मैं यहाँ हॉस्टल में हूँ तो यहाँ पर वाईफाई लगा हुआ है तो इतने नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन रहता है घर पे, काम वगैरह आ जाता है, इधर जाना उधर जाना। तो यहाँ पे अगर मैं रूम पे रहता हूँ तो सारी चीज़ें मैं अपने हिसाब से हैंडल करता हूँ, किस टाइम मुझे जागना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम खाना बनाना है, किस टाइम खाना खाना है। तो यहाँ पे रूम पे रह के मैं सारी चीज़ें अपने हिसाब से हैंडल करता हूँ। सो गाइस, फाइनली मेरा लेक्चर हो चुका है कंप्लीट, और जितना मैंने अभी वो लेक्चर लिया है, जहाँ तक टॉपिक पहुँच चुका है उस लेक्चर का, वहाँ तक ही मैं NCERT में रीडिंग कर लेता हूँ, और रीडिंग जो करता हूँ वो मैं हिंदी मीडियम से करता हूँ। सो गाइस, रीडिंग भी होने वाली है मेरी कंप्लीट, और मुझे अभी मार्केट भी जाना है सब्जी लेने के लिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिस आ जाए। तो और अगर कोई आपका डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं नीचे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।